नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने महिंद्रा स्कॉर्पियो में या कोई भी और गाड़ी हो एसयूवी में आखिर आप पानी कैसे भर सकते हैं। जो विंडशील्ड का पानी है जो कि कांच हमारा साफ़ करता है, और आप जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं ये जो चीज़ है यहीं से पानी निकल के इसके ऊपर जाता है और उसके बाद ये वाइपर से इससे जो है साफ़ हो जाता है। तो चलिए पहले जानते हैं आखिर बोनट कैसे आप खोलेंगे। तो गाड़ी के अंदर अलग अलग सिस्टम रहता है। फिलहाल यहाँ पर जो सिस्टम है वो आप जाएंगे जैसा कि यहाँ पर देख रही है जो सिस्टम है, आप हल्का सा इसे कीजिए, उसके बाद जो है आपको आगे जाना पड़ेगा। यहाँ पे आइए, आप इसको हल्का से यहाँ पे उठाएंगे और अंदर की साइड में एक लॉक सा दिया हुआ है उसको किनारे खिसकाएंगे यहाँ पर। एक असर करो ये अंदर वाला, हाँ यह तरफ का, दूसरी साइड में जैसे खिसकाएंगे तैसे आपका बोनट जो है खुल जाएगा। बोनट को सही से खोल दें, गिरने उड़ने ना पाए। उसके बाद इसके अंदर बहुत सारे दिए हुए हैं, ये भी है, ये भी टैंक दिया हुआ है, वहाँ पर भी, किसी में भी नहीं भर देना है पानी आपको। आपको जानना ज़रूरी है कि आखिर आपको इसका पानी कहाँ भरना है। तो आप यहाँ साइड में चलिए और सबसे साइड में आप देखेंगे राइट हैंड साइड में, ख़ास तौर से महिंद्रा स्कॉर्पियो में राइट हैंड साइड में यहाँ पर जो दिया हुआ है ये येलो कैप, आप इसे हटाएंगे ऐसे करके और इसके अंदर आप जो है पानी आपको डालना रहता है। तो आप दो जग जो है, दो जग तीन जग पानी डाल दीजिए, काफ़ी पानी ले लेता है, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कितना अमाउंट आता है, पर आप इसके अंदर डाल दीजिए। उसके बाद गाड़ी डाल कर जब आप चेक करेंगे, डालने का इसे बंद कर दीजिए, जब फिल हो जाए अब इसको जो है टाइटली जो है बंद कर दीजिए। पानी डायक ना दिखा दियो, आप इसे टाइटली बंद कर दीजिए। उसके बाद बोनट डाउन कर दीजिए, आप बोनट अपने आप लॉक हो जाएगा गिरते ही। उसके बाद आप गाड़ी के अंदर जाइए और जो है चेक कर सकते हैं। फिर पानी ऑलरेडी है ही इसके अंदर तो दिखाने का कोई मतलब नहीं है। तो इस तरीके से आप पानी डाल सकते हैं इसके अंदर। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और सारी टिप्स के लिए जो है सब्सक्राइब ज़रूर करें।